Hey guys, welcome back to another video. My name is Tathastu Sharma. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. सबसे पहले तो मैं माफी मांगता हूँ, 3 दिन का गैप हो गया. वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि हर दूसरे दिन मैं वीडियो ले आऊँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ काम आ जाते हैं, इस वजह से नहीं ला पाता हूँ. एक्सट्रीमली सॉरी. दोस्तों, एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए. स्विगी किन किन के शहर में है, किन किन सिटीज़ में, जो लोग मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, इस चैनल के व्यूअर्स हैं, अगर आपके शहर में स्विगी है तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है. उसके साथ साथ जिनके शहर में स्विगी नहीं भी है उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है. स्विगी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस लाने वाला है. जी हाँ दोस्तों, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, बिल्कुल अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह स्विगी भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस लाने वाला है. अभी तक स्विगी के ऊपर सिर्फ फूड मिलते थे, आप जानते हैं, और उनका एक प्लेटफॉर्म है इंस्टा मार्ट, जिसके ऊपर उन्होंने ग्रॉसरी सेल करना स्टार्ट किया था. लेकिन अब वो एक ऐसे पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं बेचेंगे, उसके साथ साथ ई कॉमर्स मार्केट प्लेस की तरह भी वो काम करेंगे, जिसके ऊपर अपैरल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलेगा. उन्होंने कुछ सेलर्स को ऑनबोर्ड करना शुरू कर दिया है और उसके साथ साथ जो है उनका पायलट प्रोजेक्ट रनिंग है. बहुत जल्द इसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा. तो स्विगी की जो टीम है उन्होंने ये बताया है कि इस मार्केट प्लेस के ऊपर आप कैसे सेल करेंगे, कि ये स्विगी के ऊपर ही होगा, इसका कोई अलग से डोमेन नहीं होगा. ये स्विगी के ऊपर, स्विगी के ऐप पे ही ये सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे. और उसके साथ साथ ना सिर्फ उन शहरों में जहां स्विगी अवेलेबल है, बल्कि जहां पर स्विगी अवेलेबल नहीं है वहां पर भी आप ये ऐप डाउनलोड कर सकेंगे और उसके थ्रू जो है अपने प्रोडक्ट सेल कर सकेंगे. और काफ़ी सारा जो कस्टमर है वो स्विगी प्लेटफॉर्म का, स्विगी के ऐप का यूज़ कर सकेगा. तो दोस्तों, अब बात आती है कि अगर आपके शहर में स्विगी नहीं है तो आप इस प्रोडक्ट को डिस्पैच कैसे करेंगे, इसका पिकअप कौन करेगा. तो मैं बताता हूँ, जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ वो ये है कि इनका कहना है कि स्विगी आपके यहाँ से प्रोडक्ट पिक नहीं करेगा. जी हाँ, वापस सुन रहे हैं, स्विगी की टीम आपके यहाँ से ऑर्डर पिक नहीं करेगी. ये पूरी अथॉरिटी आपके हाथ में होगी, आपको प्रोडक्ट पैक करना है और आप ही को प्रोडक्ट भेजना है. उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो है कस्टमर के कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते हैं, अगर आप सेल्फ शिप करते हैं तो ही आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा. और इस केस में, स्विगी के केस में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, जिसके कारण आप उनसे बात करके अच्छे से डिलीवर करा सकते हैं. फेक ऑर्डर्स आने के चांसेस कम हो जाएंगे. आपको अगर कोई कस्टमाइजेशन कराना है तो वो भी आप कस्टमर के थ्रू करवा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. सो मेरी नज़र में ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, स्पेशली उन सेलर्स के लिए जो और बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि भाई ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए उन्हें क्या क्या मेथड्स अपनाने चाहिए. तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है और इसको देख के मुझे लगता है कि शायद Zomato भी आ जाए, इसको देख के और बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी जो हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में उतर जाएं. इससे सेलर्स को भी जो है ऑप्शन मिलेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सेल करने का, और किसी एक ई कॉमर्स कंपनी का जो बोलबाला है वो नहीं रहेगा. उससे कॉम्पिटिशन हेल्दी होगा, उससे बायर्स के पास भी ज़्यादा ऑप्शन होंगे, सेलर्स के पास भी ज़्यादा ऑप्शन होंगे, वैरायटीज़ मिलेगी, कंपटीशन में रेट कम मिलेगी, हो सकता है अच्छा एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हो तो उसमें आपको मुनाफा भी ज़्यादा हो. सो दोस्तों, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा. थैंक यू सो मच गाइज, आपने अपना कीमती समय दिया. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर.